मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए राह बहुत आसान नहीं दिख रही है। नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम के बाद भाजपा जश्न तो जरूर मना रही है, लेकिन अंदर खाने भाजपा में महापौर की 7 सीटों को गंवाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है और यही वजह है कि अब शिवराज सिंह विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 16 महापौर सीट में से 7 गंवाने से बीजेपी की शिवराज सरकार को जोरदार झटका लगा है, जिसके बाद अब सरकार 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। आगामी चुनाव के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगले महीने रक्षाबंधन के बाद सभी विभागों की समीक्षा बैठक शुरू करने जा रहे हैं। समीक्षा बैठक में विभागवार योजनाओं का प्रेजेंटेशन किया जाएगा, साथ ही प्रदेश के अलग अलग इलाकों में होने वाले विकास कार्यों को सूचीबद्ध किया जाएगा। बताया जा रहा है कि समीक्षा बैठक में सरकार का मुख्य फोकस निर्माण कार्यों से जुड़े विभागों को लेकर है। सरकार 2023 में कराए जाने वाले विकास कार्यों को सूचीबद्ध कराने में जुट गई है, ताकि चुनाव से पहले क्षेत्रवार विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जा सके। सभी विभागों से कहा गया है कि सितंबर 2023 तक 5 करोड़ और इससे अधिक लागत के शिलान्यास योग्य कार्यों की सूची तैयार की जाए। सितंबर 2023 तक सिंगल क्लिक के माध्यम से एक बार में 50 करोड़ और इससे अधिक की राशि हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं की सूची तैयार की जाएगी। सभी विभागों को सीएम डैशबोर्ड पोर्टल पर 16 अगस्त तक जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए हैं।